गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 1। चैप्टर 1 है नोइंग आवर नंबर। नोइंग आवर नंबर का आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोइंग आवर नंबर में हम लोगों को पढ़ना है कंपैरिजन, कि दो नंबर का कंपैरिजन हम लोग कैसे करते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर इक्वल टू है। इसी का कंपैरिजन हम लोगों को नोइंग आवर नंबर में पढ़ना है। नोइंग आवर नंबर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि नंबर्स क्या होता है। ठीक है, नंबर होता क्या है? तो नॉर्मली नंबर क्या होता है, तो ए नंबर इज द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर और लेबल। ठीक है, नंबर जो होता है वो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होता है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ में लेबलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल के लिए 75 को कोई नंबर मानते हैं। ठीक है, 75 इज द नंबर। अच्छा, नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है, नंबर बनते कैसे हैं? तो नंबर जो होते हैं वो डिजिट से मिलकर फॉर्म होते हैं। 7 इज द डिजिट एंड 5 इज द डिजिट। 7 और 5 दो डिजिट है जिससे मिलकर बना है 75, जो एक नंबर है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को कंपैरिजन पढ़ना है इसमें ना, तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं 96 और 5 का कंपैरिजन करते हैं कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो ऑब्वियसली इसको तो हम लोग आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट नंबर है और राइट हैंड साइड में 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 डिजिट नंबर। ठीक है, लेकिन तब क्या होगा जब दोनों तरफ सेम डिजिट रहेंगे। ठीक है, हम लोग कंपैरिजन बेसिकली तब करने का ज़रूरत पड़ता है, हम लोगों को कंपैरिजन करने का तब ज़रूरत पड़ता है जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ सेम डिजिट के नंबर होते हैं। तो हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा नंबर छोटा होगा। तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फर्स्ट डिजिट का कंपैरिजन फर्स्ट डिजिट के साथ करते हैं, सेकंड का कंपैरिजन सेकंड के साथ करते हैं, चाहे वो जितना भी डिजिट का नंबर हो, 9 डिजिट का हो, 10 डिजिट का हो, कितना भी डिजिट का नंबर हो, लेकिन हम लोग सबसे पहले कंपैरिजन फर्स्ट का कंपैरिजन फर्स्ट के साथ करेंगे, सेकंड का कंपैरिजन सेकंड के साथ करेंगे। अगर फर्स्ट का कंपैरिजन फर्स्ट के साथ करते हैं, दोनों नंबर इक्वल आते हैं, तो हम लोगों को सेकंड का कंपैरिजन करना पड़ेगा। सेकंड नंबर में हम जब कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं 6 जब हम लोग सेकेंड नंबर का कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 6 इज़ ग्रेटर देन 5। 6 जो है वो 5 से बड़ा है, यानी कि 86 इज़ ग्रेटर देन 85। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 3 डिजिट का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ फर्स्ट का कंपैरिजन फर्स्ट के साथ करते हैं, इक्वल नंबर है। सेकंड का कंपैरिजन सेकंड के साथ करते हैं, इक्वल नंबर है। तो जब दो इक्वल नंबर है तो इन लोगों का तो कंपैरिजन नहीं होगा, जो अनइक्वल नंबर होंगे उनका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो थर्ड डिजिट में क्या है, 3 और 5 है। ठीक है ना, तो सॉरी 7 और 5 है। 7 और 5 का हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो 7 इज़ ग्रेटर देन 5, यानी कि 986 इज ग्रेटर देन 985। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 4 डिजिट का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ 4 डिजिट है, लेकिन इधर का जो 4 डिजिट है इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं 1000 में, बट इधर का जो 4 डिजिट है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं 100 में। क्यों? क्योंकि नंबर के आगे 0 लगा हुआ है, जब 0 लगा हुआ रहता है तो हम लोग इस नंबर का काउंटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर लिखा हुआ है वो 975 लिखा हुआ है और यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है वो 9075 लिखा हुआ है। तो 9075 इज़ ग्रेटर देन 975। ठीक है, अब देखिए हम लोग जिस तरह से भी बोल रहे हैं कि 9 कोई डिजिट है, 5 कोई डिजिट है, इस तरह से हम लोग अभी डिजिट बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो डिजिट होते हैं ना, इस डिजिट के कुछ प्लेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लेस हो गया, सेकंड प्लेस हो गया। अभी तो हम लोग इसको कंपैरिजन करने के लिए नॉर्मली बोलते हैं कि ये फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट का कंपैरिजन फर्स्ट डिजिट के साथ करते हैं, सेकंड डिजिट का कंपैरिजन सेकंड डिजिट के साथ करते हैं। बट एक्चुअली में जो हम लोग काउंट करते हैं वो हम लोगों को जब काउंट करते हैं तो वो राइट टू लेफ्ट नंबर को काउंट करते हैं, यानी कि जो हम लोग प्लेस इसका लिखते हैं वो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, या फिर किसी भी नंबर का हम लोग डिजिट लिखते हैं कि ये फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे है, तो उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू रूल जब हम लोग इसका प्लेस लिखते हैं तो प्लेस लिखने के लिए हम लोग राइट साइड टू लेफ्ट साइड कैलकुलेट करते हैं ना, यानी कि राइट साइड का जो फर्स्ट नंबर होता है वो 1s होता है, सेकेंड नंबर 10s होता है, थर्ड नंबर 100 होता है। इस तरह से हम लोग इसका फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस इस तरह से प्लेस देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना है प्लेस वैल्यू
ठीक है। अब देखिए प्लेस वैल्यू में हम लोगों को दो टाइप से प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, ठीक है ना, मतलब दो तरह से हम लोग प्लेस वैल्यू को पढ़ते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में नंबर को 1000, 10,000, 10 लाख हम लोग पढ़ते हैं, बट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में नंबर को लाख, 10 लाख, करोड़ नहीं पढ़ा जाता है, वहाँ पे ये बदल के मिलियन और बिलियन हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को यही पढ़ना है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किसका प्लेस कैसा होता है, हम लोग इसको कैसे प्लेस पे, इसका प्लेस वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखिए, ये है प्लेस वैल्यू चार्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। ये है प्लेस वैल्यू चार्ट, हम लोग इसको प्लेस वैल्यू चार्ट बोलते हैं ना। देखिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम लोग जब भी काउंट करते हैं तो नंबर को राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो राइट टू लेफ्ट काउंट करेंगे तो जब सबसे फर्स्ट प्लेस होगा वह 1 होगा, सेकेंड प्लेस 10 होगा, थर्ड प्लेस 100 होगा, फोर्थ प्लेस 1000 होगा, ठीक है, फिफ्थ प्लेस 10,000 होगा, सिक्स प्लेस लाख होगा, सेवन्थ प्लेस 10 लाख होगा, एट प्लेस करोड़ होगा, नाइन प्लेस 10 करोड़ होगा और 10 प्लेस अरब होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नंबर को लिख सकते हैं कि जो नंबर फर्स्ट प्लेस पे होगा वो 1 होगा, जो नंबर सेकंड प्लेस पे होगा 10, थर्ड प्लेस पे होगा तो 100, फोर्थ प्लेस पे होगा तो 1000, फिफ्थ प्लेस पे होगा तो 10,000, सिक्स प्लेस पे होगा तो लाख, सेवन प्लेस पे होगा तो 10 लाख, एट प्लेस पे होगा तो करोड़, नाइन प्लेस पे होगा तो 10 करोड़ और 10 प्लेस पे होगा तो अरब, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 1, 10, 100, 1000, यानी कि 3000 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं इंडियन सिस्टम में, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ तो होते हैं बट सारे एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू चार्ट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्लेस 1, सेकंड प्लेस 10, थर्ड प्लेस 100, फोर्थ प्लेस 1000, फिफ्थ प्लेस 10,000, ठीक है। यहाँ तक तो सिमिलैरिटीज़ होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, ठीक है। यानी कि फिफ्थ प्लेस तक जो होता है इंडियन सिस्टम ऑफ का जो नंबर होता है, इंटरनेशनल सिस्टम का जो नंबर होता है, इसको हम लोग सेम तरीके से बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही सिक्स प्लेस आता है तो सिक्स प्लेस में हम लोग पढ़ते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लैक, बट यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं 100,000, ठीक है। ये चेंज किस में हो जाता है, 100,000 में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए जो यहाँ पे 10 लाख है वो यहाँ मिलियन बन जाता है सेवन्थ प्लेस पे, एट प्लेस पे जो यहाँ करोड़ था वो यहाँ पे 10 मिलियन बन जाता है, नाइन्थ प्लेस पे जो यहाँ 10 करोड़ था यहाँ पे 100 मिलियन बन जाता है, और 10th प्लेस पे जो अरब था वो यहाँ पे बिलियन बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किसी भी नंबर को बोल सकते हैं ना। 10,000 तक तो सेम, 10,000 तक तो सेम रहता है, 10,000 के बाद 100,000, मिलियन, 10 बिलियन, 100 मिलियन और बिलियन, बिलियन जिसी तरह से आगे बढ़ते जाता है, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से हम लोग आगे काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें हम लोग कॉमा का यूज़ कर कैसे करते हैं और इसको हम लोग नंबर नेम में किस तरह से लिखते हैं। ओके, थैंक यू।